हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। छात्र संघ चुनाव की आपत्तियों पर कड़ी सुरक्षा के बीच हुई सुनवाई। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में खुले में ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी द्वारा आपत्तियों पर सुनवाई के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की तरफ से शनिवार को कई संकायों के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान यहां भारी पुलिस जाप्ता भी तैनात किया गया। वहीं छात्र संघ चुनाव परिणाम में उठे धांधली के आरोप के बाद केंद्रीय कार्यालय स्थित बृहस्पति भवन में ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल के समक्ष आपत्ति दर्ज करवाने वाले प्रत्याशियों की सुनवाई की गई, जहां रिड्रेसल सेल के चेयरमैन कमलेश पुरोहित सहित 5 सदस्यों की इस सेल के समक्ष प्रत्याशियों ने अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई। यह कहा आपत्तियों में, शनिवार को मुख्य रूप से सुनवाई शुरू होती है, जहां रिड्रेसल सेल के चेयरमैन कमलेश पुरोहित सहित 5 सदस्यों की इस सेल के समक्ष प्रत्याशियों ने अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई। यह कहा आपत्तियों में, शनिवार को मुख्य रूप से सुनवाई शुरू होते ही सबसे पहले अध्यक्ष पद पर 9 मतों से पराजित हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मूल सिंह राठौर ने 20 बिंदुओं के साथ कमेटी के समक्ष आपत्ति पेश की। इसमें एक एक बिंदु पर काशी कमेटी ने सुनवाई की। वहीं अध्यक्ष पद पर विजयी हुए सुनील चौधरी ने भी पराजित प्रत्याशी मूल सिंह के खिलाफ 3 बिंदुओं में आपत्ति पेश की। इसमें मुख्य रूप से आरोप लगाया कि मूल सिंह नकल प्रकरण के साथ ही शिक्षक के साथ अभद्रता के आरोप में विश्वविद्यालय से बर्खास्त हो चुके हैं, इस आधार पर वह छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं है। वही मूल सिंह ने अपनी आपत्ति में छात्र संघ चुनाव की मतगणना में धांधली के आरोप के साथ ही पुनः मतगणना करवाने की मांग की। इस दौरान रिड्रेसल सेल ने मतगणना के दौरान की गई वीडियोग्राफी को भी प्रोजेक्टर पर प्रसारित किया। छात्र संघ अध्यक्ष के आपत्तियों के बाद कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों ने भी अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई, जहां मतगणना की वीडियो रिकॉर्डिंग प्रसारित होने के बाद रिड्रेसल सेल के समक्ष अन्य प्रत्याशियों की सुनवाई की गई। भारी पुलिस जाप्ता तैनात। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय स्थित बृहस्पति भवन में आपत्तियों को लेकर हुई सुनवाई के दौरान पुलिस का भारी जाप्ता तैनात रहा। केंद्रीय कार्यालय पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील रहा। यहां बिना आई कार्ड किसी को केंद्रीय कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया। पुलिस के साथ ही आरएसी के जवान भी तैनात किए गए। पुलिस कमिश्नर आलोक वरिष्ठ भी पूरे मामले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर निगरानी बनाए हुए थे। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।